नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जीवन में करोड़पति बनना चाहते हो तो गाय को इस समय खिला दें हल्दी और रोटी। जी हाँ, हमारे देश में गाय को माता माना जाता है और हर घर में एक रोटी गाय की रोज निकालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मगर आप गाय को जो रोटी खिलाते हैं, अब से आप इस उपाय से गाय को रोटी खिला दें तो आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, कैसे खिलानी है रोटी, किस समय खिलानी है गाय को रोटी, इन सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्यों इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो ऐसी चीज है जो गाय को खिलाने से नाराज हो जाते हैं देवी देवता, और साथ ही कौन सा वो फल है जो कि आप गाय को खिलाते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। साथ ही बताएंगे आपको गाय से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में, तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि गाय को रोटी और हल्दी खिलाने से क्या फायदे होते हैं, शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है कि क्या ये तरीका है गाय को रोटी खिलाने का। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पशु पक्षियों को अन्न खिलाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अब लोग ये सोचते हैं कि गाय को रोटी खिलाने का इतना महत्व क्यों है, तो आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया गया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो अब जब बात भगवान को भोग लगाने की आती है तो गाय के जरिए 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाया जा सकता है। तो आप ही बताइए कि इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है कि हम पहले गाय के जरिए अपने खाने से पहले 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगाएं और उसके बाद हम और हमारे घर के अन्य सदस्य भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों में अनुसार गाय का तो मूत्र भी सेवन किया जाता है, जिसे गोधन के नाम से जाना जाता है। तो गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवता की सेवा हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि जिन घरों में गाय पाली जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही कई सुखों को भोगती है। इसके साथ ही इससे उन्हें इतना पुण्य लाभ मिलता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका सुख भोगती हैं। अगर आप गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिलाते हैं तो उसका भी बहुत पुण्य मिलता है। मगर इस बात का ख्याल रखें कि जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो आप गाय को गुड़ खिलाएं, किंतु गर्मियों के मौसम में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही आप जब गाय को गुड़ खिलाएं तो ये याद रखें कि गाय उस समय बैठी हुई होनी चाहिए, क्योंकि खड़ी गाय को कभी गुड़ नहीं खिलाया जाता है। दोस्तों, खासकर सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ ना कुछ सफेद चीज जरूर खिलानी चाहिए, जैसे बर्फी, चावल, सफेद लड्डू आप खिलाएं। इसके कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और इससे आपका सोमवार का व्रत भी सफल होता है। साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार को गाय को बेसन के लड्डू के साथ रोटी खिलाने से आपको बहुत लाभ होता है। इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और इसके साथ ही बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है, इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। साथ ही गुरुवार में जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस रोटी को बनाएं और गाय को ऐसी दो रोट खिला दें, इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है और इससे आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही शुक्रवार को गाय को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है। इससे माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती हैं। माना जाता है कि शनिवार को गाय को काले और उड़द पीस कर गेहूं के आटे में डालकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है, और वहीं हर रविवार को गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाने से शनि की महादशा शांत हो जाती है, इससे व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। तो मित्रों, अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाई है तो समझो आपने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है। आपको इसका फल बहुत जल्द ही मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप गाय की सेवा मजबूरी में ना करें, आप गाय माता की सेवा पूरे दिल से करें। इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित कथा भी है। कथा के अनुसार जब एक महिला ने गाय को केला खिलाना चाहा तब गाय ने केला देखकर अपना मुंह मोड़ लिया।
और अब महिला ने गाय के सामने जाकर फिर से उसको केला खिलाना चाहा, मगर गाय ने फिर भी केला नहीं खाया। पर इसके बावजूद भी महिला केला खिलाने के लिए पीछे ही पड़ी रही, और जब महिला नहीं मानी तो गाय सींग मारने को हुई। तब महिला बिना केला खिलाए डर के वहाँ से चली गई। तो जब वो महिला चली गई तो गाय के पास खड़े एक सांड ने पूछा कि जब वो इतने प्यार से केला खिला रही थी तो आपने केला क्यों नहीं खाया, और उसे डरा भी दिया। तो गाय ने उसका उत्तर दिया कि महिला प्यार से नहीं मजबूरी में केला खिला रही थी। आज शुभ दिन है तो इसलिए महिला मुझे केला खिलाकर पुण्य कमाना चाहती है। वैसे तो ये मुझे कभी नहीं पूछती है, कभी रोटी के लिए उसके घर के बाहर गलती से चली भी जाऊं तो मुझे डंडा लेकर मारने को दौड़ती है। जीवन में प्रेम से सूखी रोटी भी मिल जाए तो बहुत है। जो जीवन में केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इस कथा से यही मालूम चलता है कि गौ माता की सेवा पूरे दिल से करनी चाहिए, ना कि पुण्य की प्राप्ति के लिए केवल मजबूरी में। तो मित्रों ये आप याद रखें, साथ ही ये तो सभी जानते हैं कि पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, लेकिन किस तरह से खिलानी चाहिए तो चलिए ये भी बता दें, जिससे कि आपको इससे जीवन में उत्तम लाभ की प्राप्ति हो। तो आपको बता दें, आपको रोटी पर गुड़ और घी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए, साथ ही थोड़ी हल्दी भी आपको इसमें डालनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती हैं और दुख दर्द से बचती हैं। इसके साथ ही आपसे याद रखें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बिठा दें, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा लाभ मिलते हैं, और साथ ही गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से आपके जीवन में जो भी जरूरी काम रुके हुए होते हैं वो जल्द ही पूरे हो जाते हैं, साथ ही इससे आपके कई बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी और बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो इसे छोड़ दें, ये गलती आप ना करें। आप गाय को अपने घर की बनी पहली ताजी रोटी ही खिलानी चाहिए। साथ ही ये भी याद रखें कि द्वार पर आई हुई गाय को कभी खाली ना जाने दें, एक रोटी तो उसे जरूर डालें, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन से कई कलेश कष्ट दूर हो जाते हैं, तो आपके घर में हमेशा ही शांति और लड़ाई झगड़ा रहता है। तो दोपहर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाएं। कोशिश करें कि दोपहर को खाना खाने से पहले पहली रोटी गाय को खिला दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में शांति का वास होगा और खुशियां लौट आएंगी। इसके साथ ही जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है तो ये उपाय उनके लिए है। आपको क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन दो आटे के पड़े बनाकर उनमें हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। इसके साथ ही गुड़ और चने की पीली दाल का भोग भी लगाएं और वो भी गाय को खिलाएं। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, तो अपना इंटरव्यू देने जाने के समय आप रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर जरूर जाएं। इससे आपको जीवन में अवश्य ही सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों, आप अपने जीवन में अपना मकान और दुकान चाहते हैं और ऐसा काफी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आप ये तीन उपाय करें। प्रत्येक शुक्रवार को किसी भूखे को भोजन कराए, और दूसरा उपाय ये है कि रविवार को किसी गाय को गुड़ खिलाएं, और तीसरा उपाय ये है कि शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में छाया दान करें, क्योंकि ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फायदा होगा। अगर आप अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं, तो आप भोजन में गुड़ जरूर खाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जीवन में थोड़ा सा गुड़ खाने से धन की आवक आपके जीवन में बढ़ेगी। गुड़ का कुछ भोग हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद के रूप में भी अर्पित करें और अविन मोचक मंगल स्त्रोत का आप पाठ करें, तो इससे कर्ज से जल्द ही आपको मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक पूजा मांगलिक कार्य में गौ से जुड़ी चीजें जैसे उनका गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य ही शामिल करें। साथ ही गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में जिसकी आपको पहले बताया गाय को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, मगर गर्मियों में नहीं खिलाना है
इसके साथ ही बात कर लें गाय से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में, अगर आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं और आपके सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुए नजर आ जाए तो निश्चित ही आपका सफर मजेदार होने वाला है। इसके साथ ही अगर गाय आपके घर के बाहर रोज आकर बैठने लगे तो समझ लीजिए आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, आप जल्द ही धनवान बनने वाले हैं। ये सच है दोस्तों, आजमाया हुआ। तो मित्रों, आपको ये जानकारी किसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य ही करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।